नेशनल बोल कांग्रेस बोल पीडीपी बोल नेशनल बोल। इस तरह वहाँ पर जीत हासिल किया है और बाहर भी, और इंशाल्लाह जो आने वाला पार्लियामेंट है इसमें भी हम अच्छी तरीके से जीत हासिल करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में। और अगर हमने 303 सीटें इससे पहले ली, आज मुझे लगता है कि हम उससे ज़्यादा आगे जाएंगे और लोगों को भरोसा है मोदी जी पे, और जो हमने काम किए लोगों के लिए, और इसी का नतीजा आज वो सामने आ गया। अगर राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत थी या पीडीपी की हुकूमत या इनकी हुकूमत थी, तो ये बाकी पार्टियों की हुकूमत थी तो उनको देखना था, तो उन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया और लोगों ने इनको नकारा। आज अगर देखा जाए हम खुश हैं आज जम्मू कश्मीर के लोग, और आज कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बानीपुरा से मैं ये आवाज़ देना चाहता हूँ कि जब तक मोदी जी है तब तक मुमकिन, ये सही बात है। जब तक ये लोगों ने कहा जब तक मोदी है तब तक सब कुछ मुमकिन है। और ये आप कहना चाहते हैं हम इनके राज में हम दबे हुए थे, इनके राज में हम मुसीबत की ज़िंदगी जी रहे थे। जो एनसी वाले और पीडीपी वाले, इन्होंने हमको जीना हराम कर दिया था, और अल्लाह ताला ने ऐसी पार्टी इन पे नाजिल की, और आज इनको पता चलेगा कि सियासत किस चीज़ को कहा जाता है। और बीजेपी जो वाहिद एक पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, ये सिर्फ पीडीपी और नेशनल वाले आपस में लड़ाई करवाते थे और कांग्रेस वाले। आज कहाँ पर गए वो एनसी और पीडीपी, आज इन्होंने गठजोड़ किया। किस लिहाज से उन्होंने गठजोड़ किया? अगर देखा जाए मोदी इंशाल्लाह 2024 जो इलेक्शन है उसमें भी हम जीत करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, और ये मेरा वादा है आपसे। और यहाँ पर भी हम मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे, जब तक नसीर लोन की जान है तब तक नसीर लोन डिस्ट्रिक्ट बानीपुरा को आगे ले जाएगा, और घरों में जाएंगे, लोगों को हम मतलब उसको कहते हैं कि भीख मांगेंगे वोट के लिए, और वोट लोगों से लेंगे और अच्छी तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बानीपुरा की बात अगर करेंगे, देख मैंने इससे भी पहले कहा कि मेहनत करनी है। अभी यहाँ पर जो पार्लियामेंट सीट है वो बारामोला और कपौर और बानीपुर के एक होती है, और इसकी अगर असेंबली की मैं 3 करूँ, गुरेज, बानीपुरा और सोनावारी। मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए हमको मेहनत करनी है। गुरेज सीट तो हमने जीत ली है, ये मैं आपको यहीं से कहता हूँ, और इसके बाद जो बानीपुर और सोनावारी है, मेहनत करनी है। मैं नहीं दावा करता हूँ कि हम जीतेंगे, भाई साहब हमको मेहनत करनी है, लोगों के पास जाना है, लोगों को जो मोदी जी ने स्कीमें जो दी है वो लोगों तक पहुंचाना है, और लोगों को अवेयर करना है किस तरीके से मोदी जी ने 9 साल में इतनी स्कीम दिया है। और अगर 60 साल इन्होंने हुकूमत की, 60 साल में इन्होंने क्या दिया? सिर्फ स्टूडेंट पेल्डिंग, सिर्फ इन्होंने यहाँ पर लोगों को मारा, हमारे भाई को मारा, मरगुजार जो वो भर के आए हैं। अगर देखा जाए मोदी जी ने जब से हमने 2009 से 2014 से हमने हुकूमत जो जब बीजेपी आई, मुझे एक स्टूडेंट पेल्डिंग एक बच्चे का जाना बता दीजिए लाल चौक में। और अगर देखा जाए कि शिया कम्युनिटी का अगर देखा जाए तहरीकी जलसा जो इनका था लाल चौक में वो नहीं निकलता था, 8वां जो मुहर्रम इनका होता था वो भी इन्होंने बंद किया था। ये सिर्फ बोलते थे थ्रेट थ्रेट थ्रेट, वहाँ पर मारेंगे, शिया और सुन्नी को लड़ाई करके देते हैं, मगर आज मोदी जी ने उसको उस रास्ते को भी खोला। और ये चीज़ हम पैगाम देना चाहते हैं उनसे कि अब ये जो इनका बिस्तर है वो बांधे और यहाँ से चल बसे, ताकि इनकी जो दोगली पॉलिसी सियासत एनसी वालों की और पीडीपी और कांग्रेस और नेशनल और अपनी पार्टी, इनकी दोगली पॉलिसी थी। मैं उनको कहना चाहता हूं कि लोगों को लोग अवेयर रहे, जो अपनी पार्टी है वो भी हमारी पार्टी है, जो पीसी है वो भी हमारी पार्टी है, जो नवाज़ आज़ाद साहब है वो भी हमारी पार्टी है। ये लोगों को धोखा दे रहे और गुमराह कर रहे हैं, लास्ट शाम जब पहुँचते हैं हमारे पास होते हैं। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोगों को अवेयर रहे, इनके जासिब ना आए।